हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपनी इस ब्यूटीफुल ज़िंदगी को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मेरे सामने प्लांट है, इसको तो आप पहचानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं इस प्लांट को। देखिए, ये है एलोवेरा। ये एलोवेरा का प्लांट है, बहुत गुणकारी प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक छोटा सा प्लांट लगाया था, और देखिए इसमें से जो बेबी प्लांट मैंने इस गमले से निकाले नहीं, तो अपने आप ही ये प्लांट्स भी कितने बड़े हो गए। देखिए, एक हर्बल प्लांट, बहुत गुणकारी है, ज़्यादातर हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत यूज़ होता है। इसके गुणों की तो मैं आपसे, आप लोगों को पता ही होगा इसके गुणों के बारे में। और ये बहुत हार्डी प्लांट है, सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाला, बहुत हार्डी प्लांट, लेकिन बहुत गुणकारी है। इसका जेल जो होता है, देखिए मैंने यहाँ से पत्तियाँ कट कट करके, ये देखिए जहाँ से मैंने पत्तियाँ कट करी है वहाँ पर से, ये मैंने किसी को दी होंगी कि वो अपने घर में लगा सके इनको, यहाँ से मैंने कट करके प्लांट्स बनाने के लिए। और प्लांट्स, क्योंकि छोटा बेबी प्लांट्स में अभी कोई हो नहीं रहा था, और ये जो बेबी प्लांट्स हुए थे वो इतने बड़े बड़े हो गए। फ्रेंड्स, ये बहुत गुणकारी प्लांट है। इसका जेल को पता ही होगा, इसका जेल जो होता है एंटी एजिंग, एंटी रिंकल, है ना, ये सब चीज़ों में यूज़ होता है। और इसका आप क्या कर सकते हैं, एलोवेरा जेल मार्केट में वैसे मतलब अवेलेबल भी है, आप चाहे तो इसको घर पर भी बना सकते हैं। एक पत्ती तोड़े, उसमें से जेल निकाल के आप क्या कर सकते हैं, जेल घर पर भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मतलब बहुत हार्डी प्लांट है, सर्कुलर फैमिली, इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अभी देखिए इसकी पत्तियाँ, क्योंकि रेनी सीज़न है, इसकी पत्तियाँ कितनी ग्रीन, कितनी बढ़िया हो रही है ना। और जो आपको ये मैंने ही कट करके किसी किसी को दो दी होंगी, या किसी ने कोई मतलब थोड़ा सा तोड़ के जेल वेल लगा लिया होगा इसका, इसलिए ये ऐसी हो रही है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत गुणकारी प्लांट है, और मुझे लगता है कि हर घर में ये प्लांट होना ही चाहिए। आप चाहें तो मतलब जब इसके, अभी इसका बेबी प्लांट तो कोई हो नहीं रहा है, ये देखिए मतलब वही मैंने आपसे कहा कि बेबी प्लांट मैंने इसमें क्या करे हैं, इसमें ऐसे ही लगा छोड़ दिए थे, तो बेबी प्लांट भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक पत्ती, जैसे यहाँ से आपने पत्ती कट करी, इस पत्ती को ऐसे आप कट करके, जैसे आपने ये पत्ती ऊपर से कट कर दी, देखिए ये पत्ती मैंने कट की है ऊपर से, इससे मैंने एक पत्ती कट कर दी है। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं इस पत्ती को लगाने के लिए, जैसे अगर मैं दूसरा गमला कोई लूँ, ये देखिए ये मैंने एक दूसरा गमला लिया है, अगर आप इसको ऐसे भी, ऐसे करके भी अगर आप इसे लगा दें, तो थोड़े दिनों में क्या होगा, इस पे से एक एलोवेरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। ये ग्रो करने का सिंपल से आपने ऊपर कट किया, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट है, इसलिए आराम से ग्रो कर, लेकिन इतना गुणकारी है कि मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन में ही बहुत यूज़ होता है ना। आपने जेल के बारे में सुना ही होगा, आयुर्वेदिक जेल में यूज़ है। बस इसको लगाने का देखिए तरीके, और अगर कोई बेबी प्लांट हो रहा तो आप उसको पूरा, वो जल्दी हो जाता है बेबी प्लांट हो रहा, तो उसे आप पूरा मतलब जड़ सहित उखाड़ के आप उसे लगा सकते हैं। लेकिन ये भी तरीका है, अगर आप पत्ती को देखिए, मैंने इस यहाँ से पत्ती कट की है और यहाँ लगा दिया है। फ्रेंड्स, कुदरत ने हमें बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स दिए हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं, हर्बल मेडिसिन में बहुत यूज़ होने वाले, आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत यूज़ होने वाला प्लांट है। मतलब आप चाहें इसका जेल ऐसे ही, और मैंने तो सुना है कि इसकी सब्ज़ी भी बना के लोग खाते हैं, इसकी सब्ज़ी बना के आप लोग खा सकते हैं। और इसको ना ज़्यादा मतलब ऐसे कोई ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, बहुत हार्डी प्लांट, ईजी ईजी टू हैंडल प्लांट, ईजी टू केयर प्लांट। लेकिन जितना ईजी टू केयर है उतना ही गुणकारी प्लांट है। तो अपने गार्डन में मतलब आप चाहे एक पत्ती आपको कहीं मिल जाए, आप उससे भी इसको कर सकते हैं, इसे लगा सकते हैं, और लगाइए इसको अपने गार्डन में, इसके गुणों का फ़ायदा उठाइए। गुण तो आप खैर आपको पता, मतलब पता ही होंगे इसके, कि आप इसको अपने गार्डन में लगाइए, और जो कुदरत ने इसे, जो भगवान ने इसे जो गुण बख्शे हैं, उन गुणों का फ़ायदा आप भी उठाइए, अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाइए इस ब्यूटीफुल प्लांट के साथ, इस ब्यूटीफुल और इस गुणकारी एलोवेरा प्लांट के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।